हेलो दोस्तों, हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे बोयर बोल्ड डॉग के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनका ओरिजिन साउथ अफ्रीका से है और इन्हें साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। इनके आगे जो बोयर वर्ड है उसका मतलब होता है फार्मर। इन्हें अफ्रीका के फार्मर्स ने एज अ गार्ड डॉग ब्रीड किया था ताकि ये फार्म और उनके पालतू जानवरों को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर सके। बोयर वोल्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डॉग ब्रीड की लिस्ट में आते हैं। वैसे तो ये काफी पुरानी डॉग ब्रीड है, लेकिन अमेरिकन कैनल क्लब ने इन्हें 2015 में ऑफिशियली एज अ डॉग ब्रीड रजिस्टर किया और AKC की मोस्ट पॉपुलर रैंकिंग लिस्ट में बोयर वोल्ड 131 रैंक पर आते हैं। ये डॉग्स मीडियम एनर्जी और लार्ज साइज के होते हैं। इनमें मेल की एवरेज हाइट 24 टू 27 इंचेस और फीमेल की एवरेज हाइट 22 टू 25 इंचेस होती हैं। इन्हें अपने ओनर के साथ टाइम बिताना काफी पसंद होता है, इसी वजह से ये अपने ओनर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और ये अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाते, क्योंकि इन्हें एज अ गार्ड डॉग ब्रीड किया गया था। इसी वजह से ये अपने फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं और इन्हें खतरा महसूस होते ही ये हमला कर देते हैं। बोयर वोल्ड अपने ओनर और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। बोयर वोल्ड दूसरे डॉग्स और स्ट्रेंजर्स के लिए एग्रेसिव होते हैं। ये डॉग्स मीडियम एनर्जी और लार्ज साइज के होते हैं। इनमें मेल की एवरेज हाइट 24 टू 27 इंचेस और फीमेल की एवरेज हाइट 22 टू 25 इंचेस होती है। इन्हें अपने ओनर के साथ टाइम बिताना काफी पसंद होता है, इसी वजह से ये अपने ओनर के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और ये अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाते, क्योंकि इन्हें एज अ गार्ड डॉग ब्रीड किया गया था। इसी वजह से ये अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं और इन्हें खतरा महसूस होते ही हमला कर देते हैं। बोयर वोल्ड अपने ओनर और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक को देने से पीछे नहीं हटते। बोयर वोल्ड दूसरे डॉग्स और स्ट्रेंजर्स के लिए एग्रेसिव होते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको इन्हें अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन करने की जरूरत होती है। अगर आप इन्हें बचपन से ही सोशलाइज ना करें तो ये काफी एग्रेसिव हो सकते हैं। इन्हें फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। शायद ये डॉग आपको इंडिया में देखने को ना मिले, और हाँ, ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं है। वैसे तो ये काफी हेल्दी डॉग ब्रीड है, पर जब इनकी एज हो जाती है, यानी कि जब ये बूढ़े हो जाते हैं, तब इन्हें हिप डिप्लेसिया और एस्बोडिस्पेसिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इनका लाइफ स्पैन 9 to 11 ईयर्स तक का होता है। ये कई कोट कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रिंडल, फोन, रेड और ब्राउन कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट एकदम स्मूथ और शॉर्ट होता है, जिसे आप इजीली ग्रूम कर सकते हैं, और ये साल में 2 बार शेड करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।